दोस्तों, हनी ट्रैप मामले में भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी का नाम आखिरकार सामने आ ही गया। पुलिस ने चालान पेश किया है जिसमें साक्षी भटनागर और चारू ने बयान दिया है कि वह आर्थिक तंगी में थी, तब उसे श्वेता विजय जैन ने भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी के पास एक फ्लैट पर भेजा था। चारू यह नहीं समझ पाई थी कि उसका वीडियो बनाया जा चुका है। प्रीति सिंह और साक्षी भटनागर मित्र थी। साक्षी श्वेता जैन को नहीं जानती थी। प्रीति ने श्वेता जैन से साक्षी उर्फ चारू का परिचय कराया। चारू ने पुलिस द्वारा पेश चालान में बयान दिया है कि वह फ्लैट में नारायण त्रिपाठी के पास सिर्फ आधे घंटे रुकी थी। इस दौरान उसने शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उसे 15,000 रुपए दिए गए और इसी दिन उसका वीडियो बनाया गया है। मैंने अपनी मैगजीन कवर स्टोरी नवंबर अंक में लिखी कि हनी ट्रैप मामले में कमलनाथ भाजपाइयों पर मेहरबान क्यों है। अभी कई अन्य नाम भी हैं जिनका खुलासा नहीं हुआ है। दोस्तों, एक पूर्व सांसद का नाम काफी चर्चा का विषय तो बना हुआ है, मगर अभी इस नाम का खुलासा नहीं होने से कमलनाथ सरकार की कार्यप्रणाली को कठघरे में खड़ा किया जा रहा है। हनी ट्रैप मामले का असर 100% सही ढंग से खुलासा होने पाए तो कई नेता और अधिकारी नंगे नजर आएंगे। वैसे गंदगी साफ करने का यह सुनहरा अवसर भी हो सकता है, मगर पूरे मामले की कमान सरकार के हाथ में है। नारायण का नाम इसलिए भी चालान में आने की बातें कहकर बचने का प्रयास किया जा सकता है कि वह कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, इसलिए उनका नाम इस मामले में सामने आया है। और एक पक्ष इसका यह भी है कि यह भी कहा जा सकता है कि नारायण इस मामले से बचने के लिए कांग्रेस में शामिल होने जा रहे थे। जो भी हो, पूरे मामले को खोल देना चाहिए। मैं रम्मू सिंह। मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।